हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल को खाने और साथ ही से चेहरे पर लगाने से होने वाले फायदों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बालों, चेहरे और साथ ही हमारे स्किन को हेल्दी और साथ ही ग्लोइंग बनाने में सबसे बेस्ट है विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल। आप इसे कई तरीकों से चेहरे और साथ ही बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि फ्रेंड्स इसे खाने से भी आपको बहुत से बेनिफिट्स होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ऑयल को किस तरीके से इस्तेमाल करके अपने ब्यूटी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं ये सभी बातें बता रही हूँ। आपको बता दें कि एंटीऑक्सीडेंट से भरे इस ऑयल की कैप्सूल आपको किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको मेडिकल स्टोर में दो फॉर्म वाली विटामिन ई की कैप्सूल मिलेगी, जिसमें से सबसे पहली वाली है 400 mg और साथ ही 800 mg। 400 mg वाली कैप्सूल साइज में छोटी और साथ ही डार्क ग्रीन रंग में होगी, वहीं दूसरी और फ्रेंड्स 800 mg वाली कैप्सूल हल्के हरे रंग में होंगी। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप छोटी वाली कैप्सूल का इस्तेमाल करें। जी हाँ, इन कैप्सूल में से ऑयल आपको सुई की मदद से निकालना होगा। वैसे फ्रेंड्स, लोग अपने बालों और साथ ही त्वचा की चमक को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कई सारे लोग तो फ्रेंड्स इसमें हजारों रुपये तक खर्च कर देते हैं। हालांकि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप बालों, स्किन, इसके अलावा बहुत से प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं विटामिन ई कैप्सूल खाने और साथ ही लगाने से होने वाले अनलिमिटेड बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। सबसे पहला फ्रेंड्स, आप स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें विटामिन ई ऑयल। जी हाँ, हफ्ते में दो बार विटामिन ई की दो कैप्सूल में कॉफ़ी पाउडर को मिलाकर चेहरे को स्क्रब कीजिए। इससे आपके फेस की सारी गंदगी बाहर निकलकर आपको मिलेगा क्लियर और साथ ही ग्लोइंग चेहरा। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्किन की कैसे भी समस्या क्यों ना हो, जैसे कि पिंपल्स, डार्क स्पॉट, ड्राई स्किन, ऐसे में अगर आप डेली विटामिन ई की कैप्सूल खाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी हाँ, इसके लिए फ्रेंड्स आपको महीने भर यानी कि 1 मंथ तक डेली विटामिन ई की कैप्सूल को खाना होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, त्वचा को चमकाने के लिए विटामिन ई ऑयल, नींबू का रस और साथ ही दही और साथ ही शहद का लगाइए फेस मास्क। फ्रेंड्स, इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपको जो कंप्लीट सामग्री यानी कि इंग्रेडिएंट चाहिए वो है 2 बड़े चम्मच विटामिन ई ऑयल, 2 बड़े चम्मच दही, 1 चम्मच नींबू का रस, गुलाब जल और साथ ही आपको चाहिए कॉटन। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगी आपको इसे किस तरह से बनाना है और साथ ही इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, आप 2 से 3 विटामिन ई कैप्सूल में से उसका तेल निकाल लीजिए और सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिला लीजिए। गुलाब जल और साथ ही कॉटन से त्वचा अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। फेस मास्क को अपने चेहरे और साथ ही गर्दन पर लगा लीजिए और इसे अच्छे से सूखने दीजिए। सूखने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। फ्रेंड्स, इसे आप हफ्ते में 4 बार यूज़ कीजिए। इससे आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और साथ ही फ्लॉलेस दिखेगा। इसका नेक्स्ट वाला फ़ायदा है फ्रेंड्स, डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए। जी हाँ, इसके लिए आप 1 चम्मच बादाम तेल में 1 विटामिन ई कैप्सूल को मिलाइए और फ्रेंड्स अब इस मिश्रण से रोज़ाना रात को सोने से पहले अंडर आई एरिया की मसाज कीजिए। आपको एक ही हफ्ते में इसका रिजल्ट दिखने लगेगा, यानी कि फ्रेंड्स आपके सारे के सारे डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे और साथ ही आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी। इसलिए आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लंबे बालों के लिए। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं के बालों की ग्रोथ बीच में ही रुक जाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बालों को सही क्वान्टिटी में पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रेंट्स नहीं मिल पाते हैं। बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए नारियल तेल में विटामिन ई जल मिलाकर स्कैल्प पर अच्छे से लगाइए। लगातार 1 महीने तक ऐसा करने से बाल बढ़ने लगते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो गए हैं तो ऐसे में भी आप विटामिन ई का इस्तेमाल कीजिए। बालों में विटामिन ई तेल से सप्ताह में 2 बार मसाज कीजिए। इससे सफ़ेद बालों की समस्या यानी कि फ्रेंड्स ग्रे हेयर्स गायब हो जाएंगे। जी हाँ, और फ्रेंड्स बालों को सिल्की और साथ ही चमकदार बनाने में भी विटामिन ई बेहद ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसके लिए फ्रेंड्स आप विटामिन ई कैप्सूल में थोड़ा सा दही मिक्स करके इसे बालों और साथ ही सिर की त्वचा में लगा लीजिए। दही की जगह आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हेयर फॉल की समस्या यानी कि बाल झड़ने की समस्या है तो ऐसे में अगर आप रोज़ाना 2 कैप्सूल खाते हैं तो आपकी हेयर फॉल की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि विटामिन ई की कमी से बाल बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो झड़ने लगते हैं। इसीलिए आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके बाल मजबूत और साथ ही लंबे भी हो जाएंगे।
फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट वाला फायदा है फटी एरियाओं के इलाज में है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप भी फटी एरिया यानी कि फ्रेंड्स क्रैक्ड हील से परेशान हैं तो विटामिन ई में एक छोटा चम्मच पेट्रोलियम जेली यानी कि फ्रेंड्स वैसलीन को मिलाकर रात में इसे अपने एरिया यानी कि फ्रेंड्स क्रैक्ड हील्स पे लगा लीजिए और साथ ही मोजे पहन लीजिए यानी कि सॉक्स पहनकर सो जाएं। इसे कुछ दिनों तक करने से आपकी एड़ियों में गजब का निखार आएगा और फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आपके होठों को बनाता है खूबसूरत। जी हाँ, विटामिन ई ऑयल में एक चम्मच शहद यानी कि हनी को मिलाकर सोने से पहले अपने होठों पर लगा लीजिए। करीब 2 हफ्तों तक इसे यूज़ कीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपके होठों का निखार तो आ जाएगा, साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक भी दिखेंगे। फ्रेंड्स, विटामिन ई से ठीक करें हाइपरपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। जी हाँ, विटामिन ई से हाइपरपिगमेंटेशन ठीक किया जा सकता है। इसके लिए फ्रेंड्स आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल में 1 से 2 कैप्सूल विटामिन ई को मिलाइए और अब इस मिश्रण को आप अपने चेहरे पर लगाकर अच्छे से मालिश कीजिए यानी कि मसाज कीजिए और रात भर के लिए इसे अपने फेस पर ऐसे ही छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, आप इस उपाय को लगातार 1 महीने तक कीजिए। इस तरह से आपका फेस काफ़ी ज़्यादा बेदाग और साथ ही चमकदार हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शुष्क हाथों के लिए विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई आपकी त्वचा की सरफेस से इम्प्यूरिटीज़ को दूर करने में और साथ ही इसके तेल संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके लिए फ्रेंड 2 से 3 विटामिन ई कैप्सूल का तेल निकाल लीजिए और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद को मिला लीजिए। अब इस मिश्रण में पानी मिलाकर अपने हाथों को 5 मिनट के लिए इस मिश्रण में रखिए, फिर अपने हाथों को निकालकर अच्छे से पोंछ लीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह से आपके रफ़ हैंड्स बहुत ही मुलायम हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स खून की कमी से पाए निजात। जी हाँ, ऐसे में फ्रेंड्स विटामिन ई की रोज़ाना 2 कैप्सूल खाने से आपको खून की कमी या फिर एनीमिया से छुटकारा मिल जाता है। वहीं लड़कियों को रोज़ाना 2 कैप्सूल ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स लड़कियों को विटामिन ई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका सबसे लास्ट वाला फ़ायदा है फ्रेंड्स स्ट्रेस से पाए छुटकारा। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन ई के कैप्सूल को खाने से आपका मूड बिल्कुल ठीक रहता है, आपको तनाव नहीं होता है, साथ ही इसको खाने से आपको कोई भी मानसिक रोग नहीं होगा। ऐसे में आपको रोज़ाना 2 कैप्सूल ज़रूर खाने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे विटामिन ई कैप्सूल के बेमिसाल फ़ायदे। अगर आपको भी किसी भी तरह की ब्यूटी प्रॉब्लम है तो ऐसे में फ्रेंड्स आप विटामिन ई के कैप्सूल ज़रूर यूज़ कीजिए, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।